हेलो फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम क्लास टेंथ बेसिक सिंपल पेपर 2020-21 का क्वेश्चन नंबर 19, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर उसको हम स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसके बीच में काइट है। तो क्वेश्चन बोलता है कि राहुल इज स्टडिंग इन एस स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। फ्यू क्वेश्चन केम टू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट, गिव एंसर्स टू हिज क्वेश्चन बाई लुकिंग एट द फिगर। तो इसमें हम लोग को दिया गया है कि राहुल क्लास टेंथ का स्टूडेंट है, वो एक संडे को काइट बना रहा है उड़ाने के लिए। इसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं काइट बनाते समय, तो हम लोग को आंसर देना है इस फिगर को देख के। तो सबसे पहले हम काइट फिगर काइट के बारे में समझते हैं, क्योंकि काइट भी एक फिगर होता है। तो ये एक काइट है जो मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है? काइट की प्रॉपर्टीज होता है कि जो इसके एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। प्लस इसका जो डायगोनल होता है काइट का, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। साथ में जो बड़ा डायगोनल है वो स्मॉलर डायगोनल को इक्वल बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर इसको मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी ई, तो इसमें एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा बी सी इक्वल टू सी डी है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ए बी इक्वल टू ए डी है और बी ई इक्वल टू डी ई है, ये भी काइट के प्रॉपर्टी हैं। अब इन प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राहुल टाइड द स्टिक्स एट वाट एंगल्स टू ईच अदर। तो राहुल जो है ना, ये जो स्टिक है, ये जो बांस की पतली पतली स्टिक होती है जिसको काइट में हम लोग लगाते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री पे इसने बांधा हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि व्हिच इज द करेक्ट क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। तो ये जो स्मॉलर ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल के ऊपर कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज हो रहा है या लागू हो रहा है? तो सबसे पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है एंगल, एंगल अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसके जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फिर साइड एंगल, साइड अगर दो साइड रेशियो में है और एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होते हैं। और RHS होता है कि एक हाइपोटेनियस अगर इक्वल है और एक राइट एंगल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और SSS पे भी सिमिलरिटी होता है, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो, और दो साइड दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो भी सिमिलरिटी होता है। तो इस टाइप से हम लोग सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं। अब इस केस में देखिए, इसमें क्या बोला है कि इसमें दो ट्रायंगल हैं ABC और ACD। तो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, हम लोग जानते हैं कि काइट की प्रॉपर्टी से BC इक्वल टू CD, देखिए BC इक्वल टू क्या है, CD है। और दूसरा AC इक्वल टू AC कॉमन है, AC से दोनों ट्रायंगल में है। और ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकंड का साइड एंगल, साइड ये साइड एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड रूल से ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो सेकंड का हो जाएगा बी SAS, साइड एंगल साइड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। तो दो ट्रायंगल के साइड जो हैं 4:9 में हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो हम ट्रायंगल में 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि अगर ट्रायंगल का जो साइड है वो जिस रेशियो में रहता है उसी रेशियो में उसका पेरीमीटर भी होता है, उसका मीडियन भी होता है ना। तो उसका मीडियन का भी रेशियो सेम होगा, इसमें आप कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा आंसर बी 4:9, है ना। तो जो भी रेशियो साइड से का होता है वही रेशियो मीडियन का होता है, वही रेशियो पेरीमीटर का होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। तो देखिए, ये जो थ्योरम है ना वो पाइथागोरस थ्योरम के उल्टा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका आंसर होगा फोर्थ का आंसर होगा डी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों?
क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है अदर दो साइड से के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें उल्टा बोल रहा है, अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। तो 100% क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को उल्टा है या कन्वर्स है, तो फोर्थ तक ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको डी में लगाना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करेंगे, जो बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाई टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए क्या है कि दो स्टिक्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग को काइट के डिफिनेशन से मालूम है कि जो बड़ा डायगोनल होता है स्मॉलर डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो मान लीजिए बड़ा डायगोनल ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो जो बी सी होगा वो छोटे डायगोनल का आधा होगा, 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और डी सी भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ काइट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ काइट इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम होगा, इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी प्लस एरिया ट्राइंगल ए डी। तो इन दोनों एरिया ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 8 और इसका हाइट है 3, हाफ इंटू ए इंटू बे सी प्लस हाफ इंटू ए इंटू सी डी, तो हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 3। तो 2 1 2 टू फोर जा 8, 2 1 2 टू फोर जा 8, तो हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 3 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भी का सी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स गाइस, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।